स्वागत है जी आप सबका चटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम करने वाले चीपर से स्पेशल नवरत्न फॉर्मा कंपैरिजन। और तीन जगह से जी हमने मंगवा लिया। सबसे पहला जो हमारा आया जी कौशल के ढाबा से, और इसका अमाउंट हमने पे किया है जी मात्र 82 रुपीज। और ये है जी गोवर्धन से 298 रुपीज। यहाँ पे जी मोती महल डीलक्स 405 रुपए। अब देखो जी प्राइस का जो है ना, अगर आप फर्क देखो तो काफी ज्यादा है। मेन जो है ना, ये देखते हैं कि भाई किस अमाउंट में हमें क्या क्वालिटी मिली है, क्या टेस्ट क्वांटिटी वगैरह है, वो भी देखेंगे। बिल्कुल आपको जी तीनों की एक एक करके लुक दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले जी हम आपको दिखा रहे हैं जी कौशल के ढाबे से जी जो हमारी नवरत्न कोरमा वाली जो सब्जी आई है जी, इसकी लुक दिखाते हैं। प्राइस हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसका हमने पे किया जी 82 रुपीज। वैसे एक्चुअल प्राइस जो है वो है 170 रुपए फुल प्लेट का। अच्छा ठीक है, मतलब ये हमने फुली मंगवाई है। मंगवाई है ठीक है जी। आपको इसकी लुक दिखाते हैं जी, भाई लुक तो अच्छी रही है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं जिनको नहीं पता कि नवरत्न कोरमा जो है ये मिक्स वेज ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके के जो है, मतलब ज्यादा सब्जियां मिला देते हैं कुछ 9 तरीके की। भाई खुशबू तो अच्छी आ रही है ना, अच्छी आ रही है, मगर ये मेरे को मिक्स वेज ही लग रही है। वो कोरमा वाला जो टच होता है ना थोड़ा, वो नहीं है। भैया फिर प्राइस का भी तो फर्क है ना, इन्होंने मिक्स वेज को ही हल्का फुल्का सा जो है ना मैश मुश करके थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लेवर्स चेंज करे हैं, है ना। देखते हैं वो ट्राई करेंगे पता चलेगा। बाकी क्वांटिटी भाई तकरीबन जो है ना 400-500 ml है ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं जी आपको बारे जी, आपको गोवर्धन से जी जो हमारी नवरत्न कोरमा वाली जो सब्जी आई है जी, इसकी लुक दिखाने की है। इसमें तो काफी अच्छे स्पून, टिश्यू पेपर, सिरके वाले प्याज, चटनी, जैसा जैसा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी जी। और यहाँ पे आ गई बिल्कुल वो व्हाइट ग्रेवी। हाँ असल में ना इसके अंदर काजू बादाम और फ्रूट, थोड़ी सी रॉयल टाइप की ग्रेवी होती है जी इसकी। और यहाँ देखो आप जो है ना प्योर काजू की जो ग्रेवी होती है, आई थिंक ये वो ही बनी हुई है। और क्या ही इसकी रंगत नजर आ रही है, बढ़िया। ओ ये क्या है भाई, चेरी डाल रखी क्या कर रखा है? हाँ चेरी ही है मेरे ख्याल से, है ना। कलर छोड़ रही है भाई, जो भी कहो यार ग्रेवी देख रहे हो आप, क्या ही बढ़िया है। इसके अंदर पनीर के क्यूब्स हैं, मटर वगैरह, बीन्स, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है जी। और क्या इसके अंदर खुशबू आई है ना, आप पनीर के पीसेस देखो इसके अंदर, पनीर, गोभी, आलू, मीठी मीठी सी है, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है। हाँ वाकई में इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, देखो पाइनएप्पल भी डाला हुआ है, पाइनएप्पल भी है भाई ठीक है। तो ये सब्जी भाई कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये सब्जी भाई थी तो नॉन वेज वाली, लेकिन वेज वालों ने कुछ तो भाई वो करा ना, वेजिटेरियन वेरिएंट भी तो बनेगा। हाँ तो इसका ये वेजिटेरियन वेरिएंट है। कोरमा जो होता है मोस्टली वो नॉन वेज वाली सब्जियों में यूज देखो होता जी है। यहाँ हमने 82 रुपीज पे किए थे और यहाँ हमने पे किया है जी 298 रुपीज, तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अब देखते हैं इससे एक्सपेंसिव वाली कैसी निकलती है। थर्ड है जी हमारे पास मोती महल डीलक्स है जी। अब इसकी ग्रेवी की रंगत देखो बहुत ही अलग दिख रही है, और साथ में जी इन्होंने ये हमें दिया है कुछ सलाद वगैरह, मेरे ख्याल से सलाद चटनी वगैरह होगा ना, लग तो यही रहा है। इसको फटाफट खोल के देख लेते हैं। हाँ वो ये जी चटनी है ठीक है, और सिरके वाले प्याज है। अरे वाह, अच्छा यही दो चीजें हैं जी। यहाँ पैकिंग थोड़ी सी जरा डिफरेंट टाइप की हो गई, इनको साइड करते हैं, मेन आते हैं जी हमारी सब्जी पे जी। इसका एक्चुअल प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस है 425 रुपए, डिस्काउंट में 408 की पड़ी है, बहुत कम डिस्काउंट मिला, बहुत ही कम डिस्काउंट मिला है। असल में ये सब्जी ना मैं आपको सही बताऊं तो 300 रुपए के आसपास की आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट काफी सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। इसका एवरेज प्राइस 300 रुपए है सब। देखो अब इसकी खुशबू बहुत ही डिफरेंट टाइप की है, इसमें तो ये क्या डले हुए, पपाया लग रहा है क्या? हाँ बहुत कुछ डला हुआ, देख पनीर के पीसेस हैं, गोभी है, फलियां हैं, बहुत कुछ। और अच्छा। ग्रेवी जो बनी हुई है वो है जी काजू की ठीक है, काजू और बादाम दोनों की मिक्स बन करके बनती है। हर किसी का बनाने का अपना अपना तरीका है। मैंने ना एक बार पहले किसी की देखी थी वीडियो, हाँ उन्होंने पाइनएप्पल के पीसेस वगैरह काफी खुले डाल रखे थे जैसे इस वाले में था, है हाँ। ना चलो जी ग्रेवी तो इनकी भी बहुत अच्छी लग रही है, लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। अब आपको तीनों एक साथ दिखा देते, 408 रुपए हाँ ठीक है, और यहाँ पे 298 रुपीज, और यहाँ है जी मात्र 82 रुपीज ठीक है। अब फर्क तो आप भाई खुद ही देख लो, 82 रुपीज यहाँ पे 298 और यहाँ पे 408 रुपए।
ठीक है जी, टेस्ट करते हैं। अरे जी, अब फूड टेस्ट करने की और शुरुआत हम करने लगे जी कौशल के ढाबा से जी। अबे आज हम घर की रोटी नहीं खा रहे, हमने पास से ही ढाबे से लेकर आए तंदूर की रोटी। तंदूरी रोटी, ठीक है जी। हमने कहा चलो ठीक है भाई, जरा सब्जी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की टेस्ट कर रहे हैं, तो तंदूरी रोटी के साथ जो है ना टेस्ट करते हैं। आ जाओ जी। अच्छी नहीं लगी भी। बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, खट्टी खट्टी थी बल्कि। तो खटास बहुत ज्यादा, जरूर से खराब हो जाएगी बहुत जल्दी। ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, पता नहीं क्यों। मिक्स वेज ही है ठीक है, लेकिन उसके अंदर खटास की बात किया वो मेरे ख्याल से इन्होंने उसको गाढ़ा करने के लिए ना शायद दही या क्रीम का कुछ जो है ना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, और दही जैसे वो खट्टा होगा। हाँ, उससे और ज्यादा सब्जी, अगर सब्जी अगर आप ये वाली कभी भी बनाओ ना तो इसके अंदर खट्टा दही तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, खट्टे दही की वजह से जो है ना वो टेस्ट बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। थोड़ा सा तो सही में पानी इसलिए पिया कि बहुत ज्यादा खटास हो गई थी मुंह में। अब ट्राई करते हैं जी गोवर्धन वेजिटेरियन से जो हमारी ये वाली सब्जी आई है ना जी, इसको टेस्ट करते हैं। आ जाओ। ये है भाई कुछ बढ़िया, भाई साहब टू गुड। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ना खीर के अंदर चीजें डाल दी हो ना। मीठी बिल्कुल, एक तरफ से खीर वाला ही फ्लेवर होता है ना, उस टाइप का फ्लेवर फील हो रहा है। एग्जैक्ट खीर वाला फ्लेवर आया है इसके अंदर ना, हल्का सा वो गुलाब जल वगैरह भी डाल रखा है, और जो सब्जी है भाई उसके अंदर वो जो चेरी थी ना मेरे, तो वो टेस्ट में आई है। मेरे में तो बीन गोभी वगैरह चीजें आई है, मगर ना बहुत कमाल की लगी भाई, मजेदार, मजा आ गया भाई साहब। क्या ही सब्जी है, टू गुड। इसको खा के ना आनंद आ जाएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने भी ये सब्जी ट्राई नहीं कर रखी ना, एक बार भाई ये वाली मंगवा कर टेस्ट करके बस देखना। ये है कि ये मीठी मीठी ग्रेवी है, जिनको मीठी ग्रेवी नहीं पसंद तो ये उनको हो सकता है पसंद ना आए, उनको अदरवाइज बहुत कमाल की, बहुत कमाल की है जी। चलो जी लास्ट हमारे पास है जी मोती महल डीलक्स। मोती महल डीलक्स से लो जी अपनी बाइट जो ना जी जरा बढ़िया से तैयार करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। आज भाई मैं सही बताऊँ ना, मेरे तो एक सब्जी में ना कोई बड़ा अजीब सा टेस्ट जो होता है ना, अच्छा उस टाइप का आया। एक बाइट और ले भाई, इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, सब्जियों को पहले अच्छे से सौते किया गया है, उसके बाद अलग से जो है ना ग्रेवी तैयार करी गई है। अल्टीमेट टेस्ट यार, टेस्ट अच्छा है मगर ना मेरे को ये ज्यादा बेटर लगे। नहीं, ये मिठास में ना, इसमें और इसमें ना फर्क मसालों का है भाई। यहाँ मिठास बहुत अच्छे लेवल में, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का आपको नमकीन फ्लेवर, हाँ नमकीन फ्लेवर मिलेगा। अब आपकी चॉइस है जी, आप कहाँ पे मतलब किस तरीके का फ्लेवर आपको पसंद है, ठीक है? है बाकी मैं सही बताऊं तो मुझे भी जो है ना सबसे ज्यादा जो पसंद आई है भाई वो गोवर्धन है, गोवर्धन वाली भाई अल्टीमेट टेस्ट है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, सब्जी से ज्यादा ना ऐसे वो जो खीर का टेस्ट आता है ना, इसके अंदर जो मिठास आ रही है ना वो सब्जी के अंदर, वो बड़ी कमाल की लग रही है। बाकी अगर आप लोगों ने ट्राई कर रखी है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना हमारे साथ। बाकी जी हमने और भी जो है ना बहुत सारी इस तरीके की कंपैरिजन वीडियो है सब्जियों की, ढेर सारी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। और 3 बजे जो आज सुमित चोपड़ा व्लॉग में ना जी, उसमें भी मैंने एक सोयाबीन की सब्जी की जो है ना छोटी सी रेसिपी शेयर करी है, वो भी आप जाके देख सकते हो यार। बाकी भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी जी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।